तीन माह से पासिंग आउट के मुंतजर 700 डॉल्फिन एहलकारों की सुनी गई है। वज़ीर-ए-आला ने टाइम निकाल लिया है, 22 नवंबर को पासिंग आउट परेड शेड्यूल हो गई है। इस पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, मुदस्सिर सर आप क्या कर रहे हैं? तीन माह से पासिंग आउट के मुंतजर थे ये 700 डॉल्फिन एहलकार, जिनकी अब सुनी गई है और ये बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला ने टाइम निकाल लिया है, 22 नवंबर को पासिंग आउट परेड शेड्यूल हो गई है। तीन माह से पासिंग आउट के मुंतजर थे 700 डॉल्फिन एहलकार, जिनकी बिल आखिर सुनी गई है, तो वज़ीर-ए-आला ने टाइम निकाल लिया है। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार जो कि कुछ मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, अब उन्होंने टाइम निकाल लिया तो 22 नवंबर को पासिंग आउट परेड होने जा रही है। इस पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, दरअसल फोर्स के पासिंग आउट के मुंतजर अहलकारों की सुनी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को टाइम दे दिया है। 22 नवंबर को चूंकि सेंटर में पासिंग आउट तकरीब होगी, पासिंग आउट तकरीब में आईजी पंजाब आईजी पंजाब तारिक मसूद यासीन समेत दीगर अफसरान शिरकत करेंगे। पासिंग आउट परेड वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से टाइम ना देने की वजह से तकलीफ का शिकार हो रही थी और जिसकी वजह से अहलकार ज़हनी कुरब में मुबतला थे। पासिंग आउट परेड के लिए अब टाइम देने के बाद पासिंग आउट परेड जुमेरात को 22 नवंबर को चूंकि कॉलेज में होगी। जी ठीक है, शुक्रिया मुदस्सिर।